हाई एवरीवन, आई एम ऋषिका सिंह एंड यू आर वॉचिंग संविधानम ऑन यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक कॉन्सेप्ट यानी कि एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस के बारे में डील करने वाली हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस और जो ये लैचेस टर्म है, इसका मतलब है कि अनरीजनेबल डिले हो जाना किसी भी क्लेम को असर्टेन करने में, और ड्यू टू विच इसका जो है रिजल्ट जो होता है वो डिसमिसल होता है। ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस का डेफिनेशन ये है कि अ लैक ऑफ डिलीजेंस एंड एक्शन इन मेकिंग लीगल क्लेम और मूविंग फॉरवर्ड विद लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ अ राइट पर्टिकुलरली इन रिगार्ड टू इक्विटी। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस है, मेनली इसका मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी नेग्लिजेंस किया है या ग्रॉस नेग्लिजेंस किया है, आप सूट फाइल करने में आपको देरी हो गई है, या फिर किसी रीज़न की वजह से आपने सूट नहीं फाइल कर पाए हैं, या फिर आपने समन करने के बाद किसी रीज़न की वजह से आंसर नहीं दे पाए, कोई भी वजह से, वहाँ पे ये लैचेस लग जाता है। लैचेस में दो प्रिंसिपल हैं, डिले डिफीट इक्विटी। इसका मतलब है कि इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपने लैचेस कर दिया है तो आपको इक्विटी भी सेव नहीं कर पाएगा। और एक और प्रिंसिपल है विजिलेबेंटस नॉन डॉर्मेंटस इक्विटस। इसका मतलब है कि एनी पर्सन हु इज़ नेग्लिजेंट और स्लीपिंग ओवर देयर राइट्स, जो अपने राइट्स पे सो रहे हैं, उनको लिमिटेशन जो है वो बार करता है कि अब वो पर्सन क्लेम नहीं कर सकता कोई भी रिलीफ। अगर कोई पर्सन स्टे लेता है, इंजंक्शन लेता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के लिए, या फिर इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर लेता है, ठीक, अगर उसने लैचेस कर दिया है या फिर अनरीजनेबल डिले किया है जिसका उसने वो रीज़न नहीं दे पाया है कोर्ट को और कोर्ट अनसेटिस्फाइड है, तो ये जो स्टे है, इंजंक्शन है, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर है, कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी। और ये जो ये सेम एज लिमिटेशन एक्ट के जैसा ही कॉन्सेप्ट है, बट ये लिमिटेशन एक्ट से डिफरेंट है। लिमिटेशन एक्ट क्या है? स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है। बट ये जो लैचेस है वो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। और लिमिटेशन एक्ट में पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है कि अगर इस पीरियड के अंतराल अगर आपने सूट नहीं फाइल किया है तो लिमिटेशन एक्ट आपके ऊपर लागू हो जाएगा, ठीक। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस में यानी कि लैचेस में कोई भी पीरियड जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं है। लिमिटेशन क्या है? मैंडेटरी प्रोविज़न है। अगर आप कोई भी सूट फाइल करते हैं तो लिमिटेशन वर्क में आ जाता है। बट लैचेस क्या है? कोर्ट के डिक्रिशन पे है कि कोर्ट देखता है कि लैचेस लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। लिमिटेशन क्या है कि वो फैक्ट मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ पे डील करता है। बट ये जो लैचेस है वो प्योर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, जैसे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होंगे कोर्ट वैसे ही सोचेगा कि उसने डॉक्ट्रिन मतलब कि लैचेस किया है कि नहीं किया है। अगर लैचेस किया है उसने तो उसको रिलीफ ग्रांट नहीं होगा। लिमिटेशन हमेशा जो रेज्ड होता है वो डिफेंडेंट करता है, डिफेंडेंट रेज करता है कि आपने इस अंतराल में सूट नहीं फाइल किया है, अब आपको बार करते हैं। बट लैचेस क्या है? कोई भी पार्टी, आइदर ऑफ द पार्टी कैन रेज दिस क्वेश्चन, आइदर प्लेंटिव और डिफेंडेंट, ठीक है। लिमिटेशन शुड बी रेज्ड एट द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ द सूट। जो सूट का पहला इंस्टांस है, लिमिटेशन तभी रेज्ड हो जाना चाहिए। बट लैचेस कैन बी रेज्ड एट एनी टाइम ऑफ द सूट, और कोई भी पार्टी कर सकती है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन है लिमिटेशन, और लैचेस जो है वो नॉन स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, ठीक। तो मैंने आपको बताया था एक डॉक्ट्रिन, विजिलेबेंटस नॉन डॉर्मेंटस इक्विटस सबिंटल, मतलब कि इक्विटी भी प्रोटेक्ट नहीं करता है ऐसे लोगों को जो कि विजिलेंट हैं, जिनको अपने राइट्स पे वो सो रहे हैं, अपने राइट पे सही टाइम पे क्लेम उन्होंने नहीं किया है, तो उन्हें भी प्रोटेक्शन कोर्ट के द्वारा नहीं दी जाएगी। इवन कभी कभी क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है और हमें ये चीज़ें बाद में पता चलती है तो हम बाद में केस फाइल कर सकते हैं, तो वहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस लगेगा कि नहीं लगेगा, अभी तक इस पर कोई भी जजमेंट नहीं आया है। जब आएगा तो मैं आपको ज़रूर इस पर डील करूँगी। एक रविंद्र कुमार जैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का 2015 का केस था। इसमें यही बताया गया है कि ही एक्चुअली क्लेम फॉर अ फेयर कंपनसेशन, बट हिज लैंड वॉज एक्वायर्ड इन 1987 में उसकी लैंड जो है वो एक्वायर कर ली गई थी, और उसने जो क्लेम किया है वो मतलब दिले बाद में कुछ क्लेम किया, और जो क्लेम है उसका रिजेक्ट कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा इन अकॉर्डेंस विद द डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस। लैचेस
लगा कोर्ट को कि लैचेज है यहाँ पे, उन्होंने देर कर दी है और विदाउट एनी सफिशियंट रीज़न है, तो वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेज वर्किंग में आ गया और उनको कोई भी रिलीफ ग्रांट नहीं हुआ कोर्ट के द्वारा, ठीक। और एक सोर्सेज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेज है ग्रुटॉन वर्सेस कैरल का केस है 1879 का, और ऑब्जेक्टिव है डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेज का कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड टू एंड टू अ लॉ सूट, मतलब कि लॉ सूट का हमेशा एंड होना चाहिए, इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेज लगता है। अगर लैचेज अगर हम लोग नहीं लगाएंगे इन केस कि कई सारे केसेस कब के, मान लो 50s के केसेस हैं, 60s के केसेस हैं और अब जाके उसका हम केस फाइल कर दें उसके लिए, 90s के केसेस हैं अब जाके फाइल कर दें तो उसका हमको रिलीफ मिल जाए, तो ऐसे तो केसेस चलते ही जाएंगे, केसेस का कभी एंड ही नहीं होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस इसीलिए आया ही था कि ये जो एंड ऑफ सूट हो पाए, लॉ सूट का ख़त्म, लॉ सूट जो है वो ख़त्म हो पाए जल्दी से जल्दी। और एलिमेंट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस क्या है, एक डिले होना चाहिए फाइलिंग द क्लेम बाय द लिटिगेंट, पहला विच इज़ अनरीजनेबल, कोई उसका रीजन ना हो, दूसरा वॉज प्री जुडिशियल टू द डिफेंडेंट। होप सो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग जो भी नोट्स हैं मैं आपको इसके अभी स्लाइड्स दिखा देती हूँ, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको नोट्स पर्सनली चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, संविधानम का चैनल है, वहाँ पे मैं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस के डॉक्यूमेंट मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी। सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो आप ज़रूर कमेंट करें कि ये वीडियो कैसी है और मुझे टॉपिक्स भेजें जिसके रिगार्डिंग मैं वीडियो वापस से बना पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।